उसी चूल्हे पे फिर चली आए औरतें, क्योंकि वही धुआं फिर खा रही है, क्योंकि सिलेंडर पिछवाड़े रखा है। अगर हम लोग समाज में निकलेंगे नहीं तो हमारे बच्चे जो कर घर बैठे रहेंगे, जो पढ़ लिख के जो कर उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, तो जो हम लोग नहीं हक अपनी बात करेंगे तो हमारे लिए कौन करेगा? बताइए, महिलाओं के लिए राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है क्या? वो घर में सिर्फ केवल कर बैठी रहती है, वो बाहर निकल के कमाती नहीं है? नहीं नहीं कमाती है वो बात अलग है, लेकिन जो है क्या लग रहा है कि यहाँ से प्रत्याशी के रूप में बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उतारा है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ से जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक पीडीए द्वारा जो उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा है, समझिए कि उन्होंने पीढ़ियों के जोड़ा है। हाँ, एक बढ़िया संदेश दिया है उन्होंने, इनको उतार कर संदेश दिया हम लोग के लिए। अच्छा, इसलिए चुनाव कार्य बेहतर होगा। अच्छा, भाजपा के लोग भाजपा के लोग कह रहे हैं कि महिला बहुत खुश है, 5 किलो राशन गैस सिलेंडर दे दिया मोदी जी ने, अब बड़ा खुश है महिलाएं, आप नाराज दिख रही हैं। अब उनसे पूछिए कि जिसको आपने सिलेंडर दिया उसको आज इतनी बार भराने का कार्य पैसा नहीं है, वो उसके पास कमाई नहीं है तो भराएगा कहाँ से? सिलेंडर उनका बंद पड़ा है। अच्छा। और जब कार्य सिलेंडर को सुविधा दिया, आज उसी चूल्हे पे फिर चली आए औरतें। अच्छा। क्योंकि वही धुआं फिर खा रही है, क्योंकि सिलेंडर पिछवाड़े रखा है, क्योंकि जो हमारे पास पैसा नहीं रहेगा भराने के लिए तो हम सिलेंडर लेके करेंगे क्या? ऐसा सिलेंडर में क्या काम है? उन्होंने योजना निकाली थी कि हमारी बहनों के आंखों में धुआं जो लगता है वो न लगे, और जो है सिलेंडर इसीलिए दिया था, तो सिलेंडर नहीं भरा जा रहा। आपको मिला था कि नहीं बताइए? हम नहीं लिए थे। काहे नहीं? क्यों नहीं? इसलिए नहीं लिए थे, जान रहे थे कि आज ये सिलेंडर हमको दे रहे हैं फ्री में, और ये 1000 को कार गैस बना रहे हैं, और जब 1000 को हम लोग गैस भराएंगे तो हम लोग कहाँ से कार खा पाएंगे? उसमें बताइए, 1000 का हम लोग गैस भराएंगे तो हम लोग को राशन सब्जी दाल नून ये सब कहाँ से आएगा? बच्चों को पढ़ाई लिखाई ये सब कैसे चल पाएगा? हम लोग जो कर बेरोजगार है, महंगाई चरण सीमा पार है, तो हम लोग कैसे काम करें? कैसे हम लोग उन बच्चों को पालें? भाई हम लोग को चाहिए ना, कह रहे खाने को 5-5 किलो राशन मिल रहा है ना, 5 किलो राशन मिला, उनसे पूछिए कि 5 किलो राशन एक महीना चल जाता है? एक महीना अगर 5 किलो राशन चल जाता है तब बेहतर होगा, तो इस बार चुनाव में देख लेंगे कि उनका 5 किलो राशन चुनाव काम आता है कि महिलाओं के जो कार्य परेशानी झेल रही है वो काम आता है। तो आपको क्या लग रहा है कि 5 किलो राशन से और बढ़ा देना चाहिए क्वांटिटी? 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए, हमें केवल रोजगार चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें मेहनत करना है, हम मेहनत से खाना चाहते हैं, इसलिए हमें काम चाहिए, और काम मिलेगा तो हम रोज का काम हम कर लेंगे। तो कह रहे हैं ना कि लोन दे रहे हैं लोगों को मोदी जी, और लोन लेकर जो है वो खुद बिजनेसमैन बन जाए वो लोग, और सरकारी नौकरी इतना नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी दे दिया जाए। अच्छा ये बताइए, लोन लेकर हम लोग करेंगे क्या? बिजनेस खोलिए, बिजनेस खोलेंगे, और जब महंगाई आई है आप हमारे दुकान पर नहीं आएंगे, आपके पास बजट में जेब में पैसा नहीं होगा तो कौन खरीदेगा? दुकान कैसे चलेगा? और जब दुकान नहीं चलेगा तो दुकान खोल कर हम कैसे कर उनका लोन पाटेंगे, कहाँ से आएगा? अच्छा, ये समस्या है। हाँ बिल्कुल, मतलब महंगाई एक प्रमुख समस्या रहेगी इस जो है चुनाव। महंगाई एकदम बेहतर है, क्योंकि महंगाई से इंसान बहुत परेशान है, हम लोग महंगाई से परेशान है। अच्छा। महंगाई से परेशान है, जो बेटियों बहू की कर इज्जत लूटा जा रहा है बड़े बाजार में, उनकी बहर एकदम बीस समाज में उनकी कर तरतार शरीर को किया जा रहा है, उनको कर मणिपुर की घटना नहीं बताए भाई, उसको देखिए, उसको हर महिला देख के शर्मिंदगी हो गई। आज महिला जो कहते हैं सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? उनके कर काल में उनके कर कह रहा है कि भाजपा तो कहती है महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, गुंडा राज खत्म हो गया भाजपा सरकार में, इस तरीके से बातें करते हैं। ये बताइए, महिलाओं को अगर ऐसे सम्मान दिया जाता है कि भाई उनको बलात्कार किया जाए, उनकी साड़ियाँ उतारी जाए, ये सम्मान होता है उनकी नज़र में, तो हम भाई उनके नज़र में सम्मान होता है, हमारे नज़र में तो नहीं होता। अच्छा। ये उनके नज़र में होता है, महिलाओं को कार्य पीड़ित करना, महिलाओं पर लाठी बरसाना, महिलाओं अपनी हक की बात करें उनको दबाना, उनको पीछे करना, अगर ये सम्मान होता है तो उनके लिए सम्मान होता है, हमारे नज़र में नहीं सम्मान है। हमारे लिए तो हमको पीड़ा है भाई, हम पीड़ित हैं, हमें सताया जाता है। अच्छा, गांव में आप जाती होंगी, आप नेता हैं जो गांव में जाती होंगी, महिलाओं से मिलती होंगी, महिलाओं की क्या प्रमुख समस्या है इस जौनपुर में? बता तो रहे हैं, महिलाओं की यही समस्या है
ये सरकार से छुटकारा पाना चाहती हैं। अच्छा, डायरेक्ट सरकार से छुटकारा? हाँ, ये सरकार से छुटकारा पाना चाहती हैं। अच्छा, इसलिए पाना चाहती हैं कि भाई उनका कह रही है जो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कितने मेहनत से हम लोग कार्य मजदूरी करके उनको पढ़ाते हैं कुछ बनाने के लिए, घर बैठने के लिए नहीं, बेरोजगार बैठने के लिए नहीं। पहले के तो लोग पढ़े लिखे उतने नहीं थे, आज के डेट में 100% लोग पढ़े लिखे हैं, तो भाई उनको रोजगार चाहिए ना, पढ़ाई लिखा किसके काम का। अच्छा, मतलब प्रमुख जो मुद्दे हैं रोजगार और महंगाई बहुत ज़्यादा है। चलिए, हमारे साथ महिला थी और ये महिला नेता हैं और यहीं मिल गए हमसे, तो हमने बात किया, कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।